नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। चंडीगढ़ में विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बीएससी की बैठक ली, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर फैसला किया गया। अब सदन का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। बैठक के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज बीएससी की बैठक हुई, जिसमें एक दिन सत्र को बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। अब 21 के जगह 22 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। तो पूरी तरह से विपक्ष भी तैयार है और सरकार भी जवाब देने को लेकर तैयार है। इधर कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। सत्र कल से शुरू होगा। कांग्रेस ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। हम भी तैयार हैं। कल फिर बुलाई हमने विधायक दल की मीटिंग 12 बजे जाने से पहले, और फिर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एचपीएससी का है, आपका लीग का है, हर मुद्दे कानून व्यवस्था है और बहुत सारे मुद्दे हैं। एचपीएससी का और एमएसपी का सवाल है, किसानों का सवाल है, जो किसानों पे केस बनाए गए जब कानून वापस हो गए, जिन कानूनों के खिलाफ किसान बीएसपी की बैठक के पहले सिक्योरिटी के मद्देनजर भी एक बैठक हुई, उसमें भी आप शामिल हुए थे, उसमें क्या फैसले लिए गए? उसमें स्पीकर साहब ने कहा भाई विधायक जो आते हैं उनके आने जाने में बाधा नहीं होनी चाहिए, प्रोटेस्ट जो करेंगे वो एक साइड में रहे, लेकिन विधायकों को मतलब। उधर विधानसभा सत्र को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सदन में सभी को बोलने का मौका मिलेगा, सरकार सदन में आंकड़ों के साथ जवाब देगी। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार भी कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला, इस पर तमाम मेंबरों ने बीएसी में चर्चा भी करी और इसलिए ये निर्णय लिया है कि जो पहले अवधि 21 तारीख को दोपहर तक थी उसको बढ़ाकर, क्योंकि आखिरी दिन डबल सिटिंग नहीं हो सकती, एक सिटिंग और बढ़ाई जाए और 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम जो विषय हैं उन पर मेंबर हाउस के विस्तार में चर्चा कर पाएंगे। बीएसई की बैठक। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 1971 में मिली जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। विज ने कहा कि 1971 में युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट में टेबल पर हार गए थे। विज ने शिमला समझौते पर सवाल खड़े करते हुए उसे बड़ी भूल करार दिया है। सैनिकों द्वारा 1971 में सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गए। हमारे पास 90,000 युद्ध बंदी थे, POWs थे। अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान से बार्गेन कर सकते थे, हम पाकिस्तान से POK लेने की मांग कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके POW वापस कर दिए। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। कोई भी इन्होंने उनके साथ सौदा नहीं किया। हमारे सैनिक आज भी पाकिस्तान की जेलों में हैं, लेकिन शिमला एग्रीमेंट में हमने युद्ध के मैदान में जीती हुई जंग टेबल पर हार दी। जैविक कृषि के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण
गुजरात से सोनीपत के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में दिखाया गया। लगभग 200 किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिन्हें जीरो बजट जैविक कृषि के बारे में बताया गया। देखिए, मैं डॉक्टर जेके नांदल, सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत। जहाँ तक आज का जो विषय था वो था कि भाई प्रधानमंत्री जो है जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती है उसको जोर दे रहे थे कि भाई इसमें जो है इसको कैसे बढ़ावा मिल सके। तो उसमें आज जो कृषि जो किसान थे जो खासकर जो ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट रखते थे प्राकृतिक खेती के, तो वो आज हमने अपने यहाँ किसान जो बुलाए थे उनकी क्या समस्याएं हैं, कितना क्या काम कर रहे हैं, क्या मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है। तो कुल मिला के यही था कि भाई अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है या जीवांश पदार्थ है वो जमीन में बढ़ेगा, जमीन में बढ़ेगा तो उसकी उत्पादन क्षमता या उसकी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी, उसके बढ़ने से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले नागरिकों को अब प्रदेश सरकार अनुग्रह सहायता देने जा रही है। मृतक के स्वजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। इसके लिए लिस्ट तैयार कर सर्वे करवाया जा रहा है। झज्जर जिले में भी गांव और शहर में जान गंवाने वाले परिवारों के घर घर जाकर सर्वे फॉर्म भरवाने का काम शुरू हो गया है। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक लेकर जल्द से जल्द काम पूरा करने की हिदायतें जारी की है। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने भी कोविड 19 से जान गंवाने वाले मृतकों की लिस्ट के आधार पर फॉर्म भरने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए परिषद ने कर्मचारियों की पूरी टीम को फील्ड में उतार दिया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि बहादुरगढ़ नगर परिषद सीमा में रहने वाले 83 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार काफी सतर्क है। फरीदाबाद में भी ओमिक्रॉन को लेकर सीएमओ और पुलिस कमिश्नर अलर्ट हो गए हैं। दरअसल जिले में विदेश से आए 209 लोगों ने कोरोना जांच में अपने गलत फोन नंबर और एड्रेस दिए थे, जिनकी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम तलाश कर रही है। हमने पुलिस कमिश्नर को और डीसी सर को भेज दिया है उनके नाम और लिस्ट पूरी की पूरी भेज दी है, जिससे कि वो उनको ट्रेस करके हमें बता सके और हम उसी समय उनका टेस्ट कर आगे की कार्रवाई करें। 209 14-12 तक थे, कल की रिपोर्ट अभी एड होनी बाकी। शुरू में जो लोग थे उन्होंने गलत मोबाइल नंबर दे रखा था और एड्रेस भी गलत दे रखा था। अब किस वजह से दे रखा है इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने उनको जब फोन मिलाया तो उनके फोन ट्रेस नहीं हुए और न ही वो एड्रेस जो उन्होंने दिया था मिला, तो हमें पुलिस को ये सारी लिस्ट देने के अलावा और कोई चारा नहीं था जो कि हमने दे दी। फरीदाबाद के वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टाउन पार्क में विजय दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त जितेंद्र यादव और शैल स्मृति ने शिरकत की और युद्ध स्मारक का माल्यार्पण कर साल 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस मौके पर डीसी ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासियों के मन को उमंग से भर देती है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। उन्नीस सौ इकहत्तर में हुए भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की विजय प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिसका आयोजन गुरुवार को सुबह बरनाला रोड पर स्थित शहीद स्मारक में किया गया। इस दौरान उपायुक्त अनीश यादव, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल दीप डागर और अन्य पूर्व सैनिकों ने पुष्प चक्र के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
देखिए 16 दिसंबर को 1971 जो वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान के साथ में, तो हमारे काफ़ी ब्रेव सोल्जर्स थे, तो उनको आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और मैं सभी युवा भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी लगन और मेहनत से काम करें और किसी भी फील्ड में वहाँ पे एक्सेल करने की कोशिश करें, और ताकि इवेंचुअली हमारे जो देश का नाम है वो ऊँचा हो। रेवाड़ी का गंगाचा टोल प्लाजा के कर्मचारी बीते 5 महीने से वेतन न मिलने से परेशान हैं। आर्थिक तंगी झेल रहे कर्मचारी एक बार फिर काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते टोल प्लाजा खाली पड़ा है और वाहन बिना टोल दिए ही जा रहे हैं। रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गंगाचा टोल प्लाजा पर करीबन 76 कर्मचारी हैं जिन्हें 5 महीने से मेहनताना नहीं मिला है। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें गंगाचा टोल कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने पर पहले भी कई बार हड़ताल की है। पिछले 5 महीनों से एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही थी, इस कारण लड़कों ने काम करने के लिए मना कर दिया। काफ़ी समझाया उनको कि सैलरी मिल जाएगी, पर लड़के जितने भी एम्प्लॉय वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। कितने एम्प्लॉय और पक्षे अभी फ्री है टोली? कितने ये सुबह 8 बजे से फ्री है और जितने भी स्टाफ यहाँ पे थे 76 लड़के, तो उनको सैलरी नहीं मिली है यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं आए हुए हैं, कार्यभार संभाला हूँ यहाँ पे। गुहाना में हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत राय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कोरोना, किसान आंदोलन और कोर्ट एस्टे के कारण पंचायत चुनाव में देरी हुई है। चुनाव की तारीख घोषित करने को लेकर धनपत राय ने कहा अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा इस बार सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस बार सरपंच, ब्लॉक, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव वोटिंग मशीन से करवाए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। रतिया में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल जिले में 2 गर्ल्स स्कूल के सामने काफी समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जिससे छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि हरियाणा न्यूज की खबर का यहां पर असर हुआ। खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया और एसडीएम ने तुरंत इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए, जिसके बाद नगर पालिका की टीम में मौके पर आई और कूड़ा करकट को उठाकर ले गई। वहीं समस्या का समाधान होने के बाद स्कूली छात्राओं और स्टाफ ने हरियाणा न्यूज का आभार जताया है। इधर फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम की लगातार छापेमारी कर नकली डीजल पेट्रोल बनाने वालों की धड़ पकड़ कर रही है। आज भी फतेहाबाद के गांव बुआन में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर नकली डीजल बनाकर बेचने वालों पर कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से लाखों लीटर नकली डीजल बरामद किया। आरोपी इस नकली डीजल को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई कर रहे थे, जिससे 71 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गोदाम से डीजल के सैंपल लेकर गोदाम को सील कर दिया है। उसके संबंध में सूचना मिली है, उस संबंध के अंदर अपने सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के एफएसओ श्री एक अपना वादा टैक्स के इंस्पेक्टर
और एक अपना बाद इंडियन ऑयल के एडिशनल मैनेजर इनके साथ मिलके भाई यहाँ बाद टीम के ऊपर आगे इसकी जांच करी। इसके अंदर कुल तेल 155,660 लीटर मिला है। अम्बाला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कैंट थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तोपखाना पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 10 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की, साथ ही शराब माफिया जॉनी को हिरासत में लिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ ने बताया कि नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज और एसपी के निर्देशानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जॉनी है तोपखाना बाजार का रहने वाला, जिसकी पिछले काफी दिनों से अवैध रूप से तोपखाना एरिया में शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसको आज गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। इसके पास से 10 पेटी शराब अंग्रेजी व देसी दोनों बरामद की है, जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसको कल पेश अदालत किया जाएगा। इसके जो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है उसको भी खंगाला जा रहा है। इधर यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम के पास बने शराब ठेके पर युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी की। शराब के रेट पर छूट न मिलने से भड़के युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर ठेके पर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों से मारपीट भी की। ठेका संचालक की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कई युवक मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में ले लिया। तो दो बंदे आए, वो लैस रहे थे मान, उन्होंने लैस मिली नहीं उनको और वो ना ज्यादा ही अड़गम लगे मचाने। उन्होंने अंदर उनके कैशियर पे भी किया कि तेरे को देख लेंगे हम, अब यहाँ गांव के हैं, ये है वो है। हम ऊपर थे जी, हम नीचे आए, उन्होंने गाली गलोच हमारी, तो उन्होंने फिर ना यहाँ पे ईंट ली, ईंट से वार किया, सारा किया। अंदर आए वो, अंदर हमारे आदमी थे, ये देखो आप सारा है यहाँ पे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमको चोटें भी आई। इधर यूपी के सीतापुर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। दरअसल दहेज की मांग पूरी नहीं होने और दिव्यांग बेटी के जन्म के बाद स्वर्ण पदक विजेता को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। बता दें पीड़िता ने जैवलिन थ्रो में अंडर 16 नॉर्थ जोन नेशनल में स्वर्ण पदक जीता था। महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ सालों बाद ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, जो कि उनके पिता देने में असमर्थ थे। फिलहाल पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। सिरसा में नशे की लत से जूझ रहे 4 युवकों ने चोरी और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। नशे की पूर्ति के लिए युवकों ने देवीलाल खेल स्टेडियम से टहल रहे युवक के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को काबू कर लिया है। उनके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों पर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। सिरसा शहर को जाम मुक्त करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। ट्रैफिक एसएचओ बहादुर सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए बरनाला और डबवाली रोड पर विशेष अभियान के तहत नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान किए। कुछ गाड़ियों को क्रेन से उठवाया गया, जबकि कुछ गाड़ियों के पहियों पर व्हील लॉक लगाया गया। साथ ही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के भी चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ ने बताया कि जल्द से ये अभियान बाजारों में भी चलाया जाएगा।